खबर छुपी लाइव आपकी खबर पेज ऐसा। यूपी पावर कॉरपोरेशन को प्राइवेट हाथों में बेचने की खबर लगने के बाद विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जिले भर के सैकड़ों बिजली विभाग के कर्मी हाथों में मशाल जुलूस लेकर सड़क पर उतर पड़े हैं। सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिले भर के बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोडवेज तक जुलूस निकाला। तो ये है कि निजीकरण बंद होना चाहिए। निजीकरण न उपभोक्ताओं के हित में है, न ही देश के हित में है। निजीकरण से क्या होगा कि बिजली के जो भी दाम होंगे वो बढ़ जाएंगे, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। जो है तो हमारी मांग ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए बिजली विभाग का। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं और कोई प्रतिनिधि आपके पास यहाँ पे आया था कि नहीं आपके समर्थन में? हम प्रतिनिधियों के पास जा करके उनको अपना ज्ञापन जो है प्रेषित ज्ञापन उनको हम दे रहे हैं, उनको अपनी मांगों के बारे में बता रहे हैं। जो भी माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सबसे मित्र के हम उनके माध्यम से अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारा जो बिजली विभाग का जो प्राइवेटाइजेशन है ये रुक सके। क्या नाम है? आनंद गौतम, संयोजक संघर्ष समिति का। एसडीओ मनोज यादव ने बताया कि बिजली विभाग को निजी हाथों में बेचने का फैसला बिल्कुल गलत है और इस फैसले से विभाग के उन जैसे लाखों कर्मचारियों का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन सरकार है कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यूपी पावर कॉरपोरेशन के निजीकरण से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा होगा। जो कर्मचारी आज मेहनत से इस विभाग में सालों से काम कर रहे हैं उनकी नौकरी तक खतरे में पड़ जाएगी। सरकार के इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारी बिल्कुल खुश नहीं है। इसके बाद भी अपने कर्मचारियों का हित करने के बजाय सरकार विभाग को ही बेचने में लगी हुई है। गौरतलब है कि बिजली विभाग के निजीकरण के फैसले का विरोध लगातार उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। प्रतिनिधि नहीं आया है, लेकिन अभी हम लोग योजना बना रखे हैं कि सारे जितने प्रतिनिधि हमारे हैं उनको ज्ञापन दिया जाए, उनको बताया जाए कि निजीकरण से कितनी कठिनाई आने वाली है और जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो सम्मानित उपभोक्ता जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है उन पे क्या उनके जेबों पे क्या भार पड़ने वाला है, और निजीकरण से केवल एक व्यक्ति का विशेष का फायदा होगा, बाकी जो जनता है उसका नुकसान ही है। और जो भी आवश्यक सेवाएं किसी भी देश की जो है उसको सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको चलाए, क्योंकि सरकार यदि विशेष जो आवश्यक सेवाएं को यदि नहीं चलाएगी तो निजीकरण से जुड़े लोग और जो पूंजीवाद के लोग हैं वो अपना उसमें हित साधेंगे और उसमें अपना मुनाफा जो भी होगा वो उसको बढ़ावा देंगे और जिससे जनता का आर्थिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण भी होगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारा एक पॉइंट का मांग है निजीकरण वापस कर, उसी में संघर्ष समिति बना है, इसमें सारे इम्प्लॉय उसमें जुड़े हुए हैं हर वर्ग। क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे कोई संपर्क किया? नहीं, सरकार का भी कोई प्रतिनिधि हमारे केंद्र से वार्ता नहीं, केंद्र की हमारे नेता बात करेंगे लेकिन अभी कोई वार्ता नहीं। क्या नाम है आपका? एके उपाध्याय, क्षेत्रीय अध्यक्ष, यूनियन संगठन बस्तर। और आज मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया है ताकि एक सरकारी विभाग को प्राइवेट हाथों में बेचने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।